आईटीआई मंडी में प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के उद्देश्य से एक साक्षात्कार का आयोजन किया गया। इस साक्षात्कार में करीब 70% बेरोजगार युवाओं ने अपना भाग्य आजमाया। आईटीआई मंडी में प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए ये साक्षात्कार आयोजित किए गए। महाराष्ट्र वेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी कंपनी की ओर से आयोजित किए गए इस साक्षात्कार में ड्राफ्ट्समैन, सिविल, ऑटोकैड, सर्वेयर आदि व्यवसायों से संबंधित डिप्लोमा होल्डर युवाओं को भाग्य आजमाने का मौका मिला। संबंधित कंपनी के संयोजक नीरज ने बताया कि कंपनी की ओर से आगामी 15 दिनों के अंदर साक्षात्कार के परिणामों की सूचना आईटीआई मंडी प्रबंधन को मेल के माध्यम से दी जाएगी। इस साक्षात्कार के संदर्भ में आईटीआई मंडी की ओर से प्लेसमेंट अधिकारी लता देवी ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए आईटीआई मंडी के प्रधानाचार्य इंजीनियर शिवेंद्र डोगरा प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि यही नहीं, उनके प्रयासों के कारण राज्य के अलावा बाहरी कंपनियां आईटीआई मंडी परिसर में साक्षात्कार लेने आ रही हैं। आज आईटीआई मंडी में टेला कंसल्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थाने महाराष्ट्र इंटरव्यू के लिए आई हुई है। यह कंपनी आज ड्राफ्ट्समैन सिविल ऑटोकैड के साथ सर्वेयर ट्रेड और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड के कैंडिडेट का इंटरव्यू लेगी। यह कंपनी लगभग 20 प्रशिक्षणार्थियों को चयन करेगी और जो बच्चे इसमें सिलेक्ट होंगे उनको ये पहले 3 माह के लिए ट्रेनिंग पीरियड के दौरान रखेगी, ट्रेनिंग पीरियड समझ के रखेगी और उस दौरान इनको 10,000 रुपये मासिक वेतन देंगे। बाद में 3 महीने के बाद जो बच्चे मेरिट में आएंगे मेरिट के हिसाब से फिर ये वेतन देंगे। यह कंपनी बच्चों को अन्य सुविधाएं भी मुहैया करवाएगी। ये कंपनी प्रधानाचार्य आईटीआई मंडी के प्रधानाचार्य सुरेंद्र डोगर के अथक प्रयास अनुसार ही आईटीआई मंडी में आई हुई है। आगे भी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का आईटीआई मंडी से सिलसिला जारी रहेगा।